भारत की हालत न हो, इसका जिम्मेदारी हम सबका है। आप सबने जो कृतज्ञता दिखाया है उसके लिए आप सभी को बार बार नमन। वतन की आवाज़ के पास आप लोगों के लिए शब्द नहीं बचा जिससे आपको, आप लोगों को धन्यवाद करें। जितना साथ आप लोगों ने दिया है उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था, या उसकी कल्पना भी हमने नहीं किया था। हाँ, कुछ जगह पर इसका रिहर्सल जरूर किया गया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के एक इशारे पर जिस तरह से आप सभी लोगों ने अपने घर के पास दरवाजे पर आ गए, इसकी तो उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। 5:05 का समय दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने 10 मिनट पहले ही अपने बालकनी में खड़े होकर 20 मिनट तक राष्ट्रों का धन्यवाद किया, ये काबिले तारीफ है। इसके लिए सब नहीं मिल रहा जिससे मैं आप लोगों को धन्यवाद करूँ। लेकिन एक बात की ध्यान रखना, शायद कुछ लोग भूल गए थे, कर्फ्यू 9 बजे तक थी, कुछ लोग 5 बजे ही घर से बाहर निकल गए, अपने से इतना ध्यान और रखना है। साथ ही अगर सरकार लॉकडाउन करता है तो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज मानव जीवन खतरे में। हमें उम्मीद है कि इस प्रकार अगर हम साथ मिलकर लड़ते रहें, जल्द ही कोरोना पर विजय पताका लहराया जा सकता है। कुछ लोगों ने पालन नहीं किया, आपको उनसे शिकायत जरूर होंगे, लेकिन छोड़िए, कुछ लोग अफवाह फैलाते ही, आपको उसका भी ध्यान रखना है। जिसके बाप हकीम है लेकिन उनको क्या जरूरत है। आप सभी के द्वारा दिया गया धन्यवाद राष्ट्रों को कल देगा, और दुगुनी शक्ति के साथ इससे लड़ने में कामयाबी हासिल करेंगे। एक बार आप सभी को नमन। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों को भी ध्यान रखें। अगर किसी प्रकार की आर्थिक संकट आता है उसमें भी आपको मिलकर काम करना है। दुकान पर जाकर अफड़ा तफरी नहीं मचाना है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप 2 दिन भूखे नहीं रह सकते। हो सकता है कोई दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे, आपको उसका भी ध्यान रखें। हालांकि सभी आम जरूरत की चीज़ें सामान रहेंगे और ब्लैक लॉकडाउन हो सकते हैं। नमस्कार।